गाइज अभी मैं हूँ मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 55 में, ठीक है। ये देख सकते हैं, देखने से ही आपको मॉडल लग रहा है, एकदम चमकाए हुए ये आंगनबाड़ी केंद्र है। जो देखिए कितने बच्चे को कितना अच्छा से पौधा पर लटकाया गया है, अच्छे ताकि लोगों को बच्चे को मजा आए। थोड़ा आगे आइए, अब मैं आपको इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के कुछ राज बता रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले आप मॉडल जो जितना दिख रहा है उतना इसमें काम पढ़ाई लिखाई कुछ होता नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये बना हुआ लगभग तो 9 महीना बता रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग कि 9 महीना पुराना ये आंगनबाड़ी केंद्र है, और यहाँ पे 9 महीना से 1 महीना पढ़ाई हुई, उसके बाद 8 महीना से ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, रोड अच्छा है, देख सकते हैं आपको पानी की व्यवस्था सब कुछ यहाँ पर सही होते हुए भी इसका स्थिति इतना दयनीय है। और आगे इधर दिखाइए, देखिए ऊपर से चमकते हुए दिखने, और यहाँ पे देख सकते हैं किसी आंगनबाड़ी केंद्र में लाइट बिजली और जर्जर स्थिति रहती है, लेकिन इसका देख सकते हैं इसमें देखिए लाइट भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप मीटर भी लगा हुआ है। और क्या होता है इस आंगनबाड़ी केंद्र में, जो यहाँ पे ये देख सकते हैं, देखिए ये धान है, ठीक है, ये धान का यहाँ खेती होता है और धान को यहाँ पसारा जाता है और अंदर में धान रखा जाता है, पढ़ाई होना चाहिए तो इसमें धान रखा गया है। ये है मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, अजूबा नंबर 2 इसको कह सकते हैं। और कैमरामैन थोड़ा इधर आइए, यहाँ पर देखिए मेनू लगा हुआ है, क्या क्या, सोमवार को खिचड़ी, मंगलवार को रसियाव और बुधवार को खिचड़ी, फिर गुरुवार को हलवा और गुरुवार को पुलाव और शनिवार को खिचड़ी। खिचड़ी पुलाव खिलाए या न खिलाए, कम से कम पहले तो क्लास भी तो ओपन रहना तो चाहिए। इसमें एक भी खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अभी बंद पड़ा है, 8 महीना से बंद पड़ा है। और पता नहीं इनको जो आंगनबाड़ी में पढ़ा रही है उनको सैलरी मिलता है या नहीं मिलता है, केवल मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बना देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम तो इसमें पढ़ाई भी होना चाहिए, अति आवश्यक है, लेकिन पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये है अजूबा नंबर 55 जिसको कह सकते हैं आप मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। जो सेविका उषा देवी है इनका सहायक, ग्राम झलसी पथनाहा थाना के सीतामढ़ी में आता है, ठीक है। स्कूल पूर्व शिक्षा पूर्वक तो पोषाहार मतलब अच्छे से बना देने से, चमकदार धमकदार बना देने से काम नहीं होगा, कम से कम शिक्षा भी देना बहुत ही अति आवश्यक है। तो गाइज ये है नरेंद्र मोदी के चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विद्यालय, जो 9 महीना पहले बना हुआ था चमकते हुए, और 1 महीना पढ़ाई हुआ, 8 महीना से बंद पड़ा है। और क्या यहाँ पे होता है, तो धान पसारा जाता है, धान की खेती होती है, तो यहाँ पर धान के आमने सामने हम देख सकते हैं धान पसारा गया है, ठीक है। नारा जिसका नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसमें क्या होता है धान की खेती होती है तो धान को पसारा जाता है। तो गाइज मैं हूं विनोद शुक्ला, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखाते रहते हैं कि गांव में लोग करते क्या है और पढ़ाते क्या है, और चमका के रख देने से होता नहीं है, कम से कम विकास भी हुआ है, जिस प्रकार पढ़ाई में भी सुधार होना चाहिए। मैं हूं विनोद शुक्ला और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। इसी तरीके के वीडियो और देखने के लिए द मार्केट न्यूज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हाँ गाइज, अगर आप सच के साथ देंगे तो सच और भी मजबूत हो जाएंगे। जय हिंद।